की शादी करवाने का वादा कर गए। राहुल ने गांव के लिए भी इतने वादे किए कि लोग इसे राहुल का ही गांव समझने लगे। वक्त गुजरा और लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गया। राहुल गए और वापस दोबारा लौट कर नहीं आए। वक्त के साथ ही टपरिया गांव भी भुला दिया गया। अब बारी विधानसभा चुनाव की है। राहुल टपरियन को भूल गए लेकिन बीजेपी ने इसको याद रखा और गांव के सहारे सियासत करने का मौका मिल गया है बीजेपी को। राहुल गांधी जी इस घर में आए थे जहां मैं बैठा हूं। घर में सोने के बाद राहुल जी ने कहा था कि मैं सारी व्यवस्था करूंगा, इस गांव को कांग्रेस के लोग गोद लिया या गोद में से फेंक दिया। गरीबी मिटाना और गरीबों के नाम काटना, ये दोनों में अंतर है। दरअसल बीजेपी को भी इस गांव की तभी याद आई जब टीकमगढ़ के ओरछा तहसील को पार्टी की स्थापना दिवस मनाने के लिए चुना गया। मौका मिलते ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा अंगूरी के घर जा धमके और राहुल के खिल्ली उड़ाई और फिर खोल दिया वादों का पिटारा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह राहुल ने खोला था। चार वर्ष हो गए पूरा नहीं आए, न ही कोई सहायता प्रदान करके गए। मैं आप लोगों के सामने एक साक्षी के रूप में, आप जिस रूप में देना चाहें इसे, मैं तो सिर्फ निवेदन करने आया हूं। मेरी पार्टी भी अगर ऐसा धोखा देती है कहीं तो नहीं देना चाहिए।